हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया 2.0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 41 IPD जो आपकी आई हुई है वैकेंसी ले लद्दाख के अंदर, उसकी रीजनिंग सिलेबस के बारे में। रीजनिंग का सिलेबस आपको पूरा बताने वाला हूँ, किस टॉपिक से आपके पर्सन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं। टोटल आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप सभी बच्चे को, मैं बता रहा हूँ, यदि नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आ जाएंगे, वो आपके कॉमन सेंस पर आधारित होंगे। बाकी जो 15 या 20 क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपके जो इन 17 टॉपिक बता रहा हूँ ना, इनमें से आने वाले हैं। यह 17 टॉपिक आपको तैयार करने ही करने। यदि 41 IPD में रीजनिंग में यदि आप 25 में से 22, 23, 24 नंबर लेना चाहते हो तो यह 17 टॉपिक को तैयार करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको बता दूं, 41 IPD की पल पल की अपडेट आपको मिल रही है और मैं लाइव आके भी आपको अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि 41 IPD एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर बच्चे बहुत वीडियो बहुत देखते हैं, पर आपको बता दूं फोरम बहुत कम अप्लाई करेंगे, और फोरम में इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, आप पूछो मत। 41 IPD में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे। आपको बता दूं, कई मेडिकल ओरिजिनल नहीं लगा रहा है, कई आपका डोमिसाइल नहीं लगा रहा है, कई आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रहा है, कई आपके फोटो नहीं डाल रहे, कई ने सिग्नेचर भी नहीं किए, कई ने डेट भी नहीं डाली, कई ने डेट ऑफ बर्थ काउंट भी नहीं की, कई ने अपना जो आइडेंटिफिक मारेगा वो भी नहीं डाला। अब बताओ इन बच्चों का क्या हो सकता है यार, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई। तो आपको बता दूं, जो बच्चे मैंने बता दिया कि वीडियो पूरा बता रहेगा यार क्या नहीं डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या डालना है। हाँ, जिन बच्चों ने, बता दूँ आपको गलतियाँ, आपको बता दूँ, यदि आपने मुँह जो मेडिकल है वो आपने ओरिजिनल ना लगा के फोटो कॉपी लगाई है, और उसको यदि सेल्फ अटेस्टेड किया है, यदि उसको सेल्फ अटेस्टेड किया है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं, आपका कॉल लेटर आने के 100% चांसेज है। और हाँ, बता दूँ आपको, यदि कई बच्चे ने फोटो डाली है और फोटो पर सिग्नेचर नहीं किया पीछे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, तो भी आपका कॉल लेटर आने के चांसेज है। अब अलग अलग कमेंट के मैं आपको शाम को लाइव आते उत्तर दे दूंगा आपको। आप जो टाइम डिसाइड कर लो, आपके लिए ग्रुप खोल दूंगा मैं, आपके लिए ग्रुप खोल दूंगा 2 घंटे के लिए, दोनों ग्रुप को खोल दूंगा। दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन नहीं किया, दोनों ग्रुप में आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, एक ग्रुप आपका फुल हो चुका है पर दूसरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। तो दो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और यदि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दिए। आज मैंने 700+ GK के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल गए होंगे, 700+ GK के क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल दिए, तो GK के क्वेश्चन तैयार कर लो। रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको जल्दी डाल दिए जाएंगे, और मैथ के क्वेश्चन भी आपको जल्दी डाल दिए जाएंगे, और आपका इंग्लिश का सिलेबस और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे। और बताओ यार क्या चाहिए आपको, FAD में सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ जितना आपको आता है, जितना आपके सिलेबस में आता है, उतना सब कुछ आपको FAD के इस वीडियो और टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। तो जो बता टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वो ग्रुप को छोड़ दे भाई, क्योंकि यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तो ग्रुप को छोड़ दे, क्योंकि ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा। ग्रुप में वही कैंडिडेट जुड़े जो मैं बता दूँ आपको, जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते या टेलीग्राम नहीं चला सकते, हो सकते हैं कभी कई बच्चों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई बच्चों की थोड़ी है कि मोबाइल आपका 10-12 हज़ार का, कहीं के पास 5 हज़ार का भी हो, कहीं के पास 4 हज़ार का भी होगा, तो उनमें टेलीग्राम चलाते हैं तो वो मोबाइल भी हैंग होने की समस्या रहती है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जल्दी आपकी जो FAD के बारे में सोचना होगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और हाँ, बता दूँ आपको, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि यह एक यूट्यूब मात्र एक ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है, जो आपको निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। यदि आपका प्यार ऐसा बना रहा तो आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। चाहे आज कल एक बच्चे ने रात को 12:30 बजे कॉल किया था, वो ध्यान दे एक बार, 12:30 बजे कॉल किया था, फिर भी मैंने उस बच्चे का कॉल अटेंड किया। उसने बोला सर राम राम, तो मैंने बोला भाई देखो यार 12:30 हो रहे हैं, तो उसने बोला चलो भाई सर मैं कल बात करता हूँ आपसे। तो फिर मैंने उस सुबह उठते ही उसको कॉल किया, फिर मैंने उसको उसी वक्त फिर कॉल आया उसका, तो मैंने बोला बोल चलो भाई बताओ अपनी समस्या तो बताओ क्या है, तो उसने बोला सर मैं ये ऊपर ही ऊपर जो इंटेक्स नंबर है यहाँ पर क्या डालूँ, तो मैंने बोला उसको भाई कुछ नहीं डालना है यार,
यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, इतनी समस्या क्या। वो बोला नहीं सर मेरे को फॉर्म पूरा भरवाना है। तो मैंने बोला कि भाई आप सुबह कॉल कर लेना। तो उसने बोला ठीक है सर मैं सुबह कॉल करता हूँ। अब जब मैंने उसको सुबह कॉल किया तो वो फोन ही अटेंड नहीं कर रहा है। अब यार इन बच्चों का मैं क्या करूँ, रात को 12:30 बजे कॉल करने का होता है कि ये बताओ। हाँ मानता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, आपका फॉरम अभी अभी मैं बता दूँ आपको सुबह कॉल कर सकते हो यार, इतनी इमरजेंसी तो हुई नहीं है कि 12:30 बजे आप कॉल करो, इतनी इमरजेंसी नहीं होती भाई किसी को भी। तो आप 12:30 बजे यार कॉल मत करो, 10 बजे तक आप कॉल कर लो, 10 बजे तक की छूट दे रहा हूँ आपको। और बताओ 7 से 10 बजे तक की आपकी छूट है यार, और क्या चाहिए बताओ आपको यार। कॉल पर्सनल नंबर दे दी तो ये थोड़ी है कि आप जब चाहोगे तब कॉल करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना यार भाई। आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के ऐसा तो मत करो यार, 12:30 बजे कॉल नहीं करते भाई। तो वो बच्चा ध्यान दे यार, 12:30 बजे अभी कॉल कोई ना करे। आप 7 से 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हो, ज़्यादा इमरजेंसी है तो व्हाट्सअप कर देना, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और उससे भी ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो आपको दिन में कॉल कर लेना चाहे जब भी। ये नहीं कि आपने कॉल कर दिया सर कट ऑफ कही थी, यार ये नहीं सवाल क्वेश्चन पूछना। इमरजेंसी हो जो क्वेश्चन मतलब आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही हो तभी आप कॉल करें, वरना आप कॉल ना करें यार। फॉर्म में कुछ दिक्कत आ रही है तभी आप कॉल करें। अब कहीं पूछे पूछते कंपटीशन कितना रहेगा, कट ऑफ क्या गई थी, पिछली बार आपका क्या हुआ सर। यार देखो इन सवालों का जवाब आपको पर्सनल मोबाइल नंबर पे नहीं दिया जा सकता यार, इनका जवाब आपको नहीं दिया जा सकता। ऐसे जवाब पीछे जो बीत गया उसको छोड़ो ना यार, पीछे रह गया उसको ध्यान ही मत दो। तो पीछे गया वो गया, ऐसे समझो कि वो गया। अब आपको मैं पूछूं कि आपकी 21 साल हो गई, एज हो गई, आपने 3 साल 4 साल क्या किया भाई। देखो भैया ये बात पूछने की नहीं होती, सब अपनी तरफ से मेहनत करते हो, सब अपना काम करते हैं। तो भाई लोगों मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, दूसरे की छोड़ो, पीछे गया उसकी छोड़ो, अपनी खुद की सोचो। जो बंदा अपनी खुद की सोचता है और जो बंदा ये सोचता है मैं ही हूँ, वो बंदा सब कुछ कर सकता है। अरे 25 साल एज वाले कैंडिडेट भी RS बनते हैं, 25 साल वाले कैंडिडेट भी अभी IPS बनते हैं। 18 साल का बंदा जब हाई कोर्ट में जज लग सकता है, इंडियन गवर्नमेंट से वो लाल बत्ती वाली गाड़ी ले सकता है, क्या आप FLDH में नौकरी नहीं पा सकते? क्यों नहीं पा सकते यार, क्या समस्या आ गई, क्या ऐसी समस्या है? कमी आप में, कमी आप 2 घंटे पढ़ते नहीं हो, 3 घंटे नहीं पढ़े यार, 8 8 घंटे दो। FLDH क्या, सब कुछ निकलेगा, SSC GD निकलेगा, आपका सभी ट्रेड्समैन एग्जाम निकलेंगे, आपके SI का एग्जाम निकलेगा, SSC CHSL का एग्जाम लगेगा। 8 से 9 घंटे दो तो सही, आप 3 महीने 8 से 9 घंटे दे दो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो। क्यों नहीं हो सकता यार, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर आप देते नहीं। 2 घंटे पढ़ लिया बस, 4 दिन किताब को हाथ नहीं ली, क्या है ये? 2 घंटे पढ़ना बेकार है, फिर आप छोड़ दो ना पढ़ाई को, क्यों पढ़ाई के चक्कर में पढ़ रहे हो? बस सबको चाहिए नई भर्ती आ गई, नई भर्ती, अरे नई भर्ती बार बार नई भर्ती आती रही है आज तक, 1900 जब आपका देश आजाद हुआ था उससे लेकर आज तक नई भर्ती आती रही और आती रहेगी। भर्तियों की छोड़ो, अपना टारगेट बनाओ फिक्स की मेरे को इसमें जॉब लगनी है। टारगेट फिक्स होगा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं FLDH में जॉब ले लूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था जिस दिन जॉब लग गई ना उस दिन अपना टारगेट और ऊंचा कर लूंगा। अब कई बच्चों का सपना ये ऐसा ही बनेंगे, अरे पहले मैं बता दूं, पहले राजस्थान पुलिस या कोई भी जो भी आपकी स्टेट पुलिस है उसको तो ज्वाइन कर ले, ऐसा ही तो बात की बात है, उसको तो ज्वाइन करे। तो आप अपना टारगेट बनाओ यार, किस डिपार्टमेंट आपको जाना है, किस फील्ड में जाना है। FLDH की नौकरी का कोई ये इतना नहीं है, कल बता बुजुर्ग परमानेंट है कि गवर्नमेंट, यार यार ये गवर्नमेंट की जॉब है, कोई गोला बारूद डिपो परमानेंट को नहीं देता यार। FLDH है ना, FLDH ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी इंडियन आर्मी में, यार कहीं बच्चे बोल रहे थे हम तो FLDH में नहीं लगेंगे सर, इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वर्दी नहीं मिलती। अरे काहे की वर्दी, जब तू 30 साल का हो जाएगा तेरे को तब पता चलेगा कि उसने सही बोला था, तब पता चलेगा तेरे को कि क्या होती है नौकरी। और जिस यदि आपका कैंडिडेट पास का पड़ोसी भी FLDH में लग गया ना, तब भी पता चल जाएगा आपको, तब तो आपको 2 3 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा FLDH है क्या चीज। फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे तो आपको बता दूं, आज या कल में जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया ना उसका फॉर्म पूछने के 100% चांस है। बाकी आप यदि परसों फॉर्म अप्लाई कर रहे हो अपना छोड़ दो, अपना ऐसे सोचो कि एडमिट कार्ड नहीं आ गए, जो पैसे लग गए वो लग गए, क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो आप?
क्या कमी रह गई आप में जो अप्लाई नहीं कर रहे हो? क्यों आपके बाद में पैसे नहीं लगेंगे? लगेंगे भाई, सब कुछ लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। और वहां गढ़वाल रायपुर रेजिमेंट वाला किस किस ने फॉर्म अप्लाई कर दिया वो भी जरा कमेंट बॉक्स में बता देना। एक बच्चे ने भी नहीं किया होगा मेरे को लगता अभी तक, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया ना उस पर। मैंने उसका बता दिया पूरा, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसका वीडियो अभी आज ही आ जाएगा, आज वीडियो आने वाला उसका। क्यों फॉर्म अप्लाई नहीं किया उसका भी आपको बता दूंगा पूरा बात। उसकी बात बात की है, चलो अब दिल्ली सिलेबस की बात करते। कितना समझाऊं यार आपको, सब कुछ समझा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। अरे नौकरी मिलेगी ना तभी दुनिया इज्जत करती है, वरना आपके पास लाख रुपए हो कोई इज्जत नहीं करता। नौकरी चाहे 10,000 की हो चाहे 20,000 की, गवर्नमेंट की मोहर होनी चाहिए, तभी पड़ोसी इज्जत करते, तभी गांव वाले इज्जत करते। क्या कभी गांव वाले घर पे आप रोटी खाने गए हो क्या? गए हो क्या गांव वाले घर पे? नहीं गए। और गांव वाले क्या क्या कर रहा है रे अब की बार? अरे तब तेरे को पता कि तैयारी कर रहा, तो क्यों पूछ रहा है इसको? सबको पता है कि तैयारी कर रहा है, जॉब नहीं लगा। और ये बाद में ये पर बोलेंगे अभी तक जॉब नहीं लगा क्या तू? अरे तेरे को सब कुछ पता है यार, फिर क्यों इसके यार गांव पे नमक छिड़क रहा है? तो उनको बता दो कि हम भी कुछ हैं, हम भी नौकरी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते यार? एफपीडी की नौकरी है। आपको मेरे को ये बताओ, गांव वाले कभी ये देखने जाते हैं कि आप वहां पे मजदूरी का काम करते हो? दुबई जाते हैं ना, वहां पर आप सभी आधे बंदे प्लेट धोते, पर नहीं देख यहाँ सेंट वेंट लगा के तैयार होके आते। गांव वाले कभी नहीं जाएंगे, वो पेस्टू को सलाम करते हैं। भैया ये दुनिया पेस्टू को सलाम करती है, दुनिया बहुत बड़ी है, रास्ते भी बहुत लंबे हैं। चलते रहोगे ऐसे, चलते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। चलते रहो 30 साल तक, चलते रहो 35 साल तक, चलते रहो, घर वालों के पैसे बर्बाद करते रहो, कोई मतलब नहीं। कोई नहीं कहने वाला आपने पैसे क्यों बर्बाद किए, वो आपके पैसे हैं, वो आपका है, घर वालों का क्या है भैया ये बताओ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि तैयारी करो ना एफएडी की, तो जी जान से करना। फिजिकल की तैयारी में अपने 2 घंटे फिक्स, सुबह ध्यान तो 2-2 घंटे 4 घंटे दे दो आप। ये मत सोचो कि क्या, हाँ मैं मानता हूँ कि 2 घंटे में आपको दौड़ना केवल 10 मिनट है, बाकी 1 घंटा एक्सरसाइज करो, 45 मिनट और दोस्तों के साथ बातें करो, तब 2 घंटे होते हैं। मानता हूँ 2 घंटे ज्यादा, पर यार कोई कैंडिडेट आगे पीछे भी तो होता है। तो आप ध्यान दो भाइयों, आप ही का ये यूट्यूब चैनल है और आप ही का ये एफपीडी है। सोच लेना हमारा एपीडी होगा, किसका होगा? हमारा ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 का। जितने भी कैंडिडेट एपीडी में जॉब लगेंगे वो सभी ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के होंगे। तो ध्यान रखना, अभी भी बोल रहा हूँ आपको, तैयारी में लग जाओ। अभी भी यदि फिजिकल की तैयारी नहीं करो, तैयारी में लग जाओ। एक बच्चा बोल रहा 6:30 बिना तैयारी किया हुआ बच्चा 6:30 निकाल देता है दौड़, बिना तैयारी किया हुआ बच्चा। ये राजस्थान है भैया, राजस्थान में 5:50 तो हर कोई बच्चा मार देता है, जो नींद में उठा के ले जाओ उसको फ्रेश हुए बिना मार देता हो 5:50 टाइम। सिक्कर चूरू झुंझुनू जान दो ना, सिक्योरिटी क्षेत्र वहां के कैंडिडेट कभी नहीं किसी से पीछे रहते यार। आर्मी की तैयारी में 5 मैं बता दूं आपको, 4:53, 4:50, यहाँ तक कि 4:44 टाइम मार दे 1600 मीटर का ग्राउंड के अंदर। बताओ उनका क्या पकड़ लोगे आप? कहाँ हो आप 6:30 वाले, और कहाँ है 4:44 वाला बच्चा? तो अभी भी आपके पास मौका है, 3 महीने पड़े, तैयारी करो। मैं बोल रहा हूँ 5:50 लेकर जाओ, होम ग्राउंड में आराम से पास हो जाओगे यार। अब यार तैयारी नहीं करो तो देखो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता, आपको गाइड कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ कि यह रास्ता आपका जॉब तक जाता है। ऐसा नहीं है कि चल मैं तेरी अंगुली पकड़ता हूँ और चल तेरे को जॉब लगा के आता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आज तक कोई टीचर ही नहीं बना ऐसा जो आपको अंगुली पकड़ के जॉब की तक छोड़ के आ जाए। ना ही कभी किसी को कोई घोल के पिला सकता है कि ज्ञान ले, ये ले ज्ञान, घोल दिया मैंने ये ले पी ले, ऐसा भी नहीं होता भैया। तो हम सिलेबस से पर चर्चा कर ले, इतना बात होता तो यार कॉल करो तो कम से कम टाइम पे किया करो यार, रात को 12:30 बजे कोई टाइम नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि नंबर दे दिया तो आपने जब चाहे तब कॉल कर दिया, नहीं भाई रिक्वेस्ट है, कुछ मेरी भी प्रॉब्लम है, पर्सनल मैटर है मेरे भी,
10 बजे तक आप कॉल कर लो, 7 से 10 बजे तक एक के का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सादृश्य परीक्षा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं 1 से 2। फिर आता है आपका वर्गीकरण, वर्गीकरण सब जानते हो, सादृश्य परीक्षा भी सभी जानते हैं। पहला टॉपिक है रीजनिंग का, ये सब जानते हो, वर्गीकरण दूसरा टॉपिक है, सब जानते हैं। आप मैं बता दूं, इनमें से लगभग सभी टॉपिक आप जानते हैं, जो 2 से 3 टॉपिक नहीं है वो मैं बता दूंगा अभी कि क्या क्या पूछा जाता है इनमें। फिर आते हैं आपके वर्णमाला, वर्णमाला भी सभी जानते हैं। फिर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एफपीटी होते हैं आपके, एसएससी, जीडी हो, कोई सा भी हो, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका दिशा व दूरी, दिशा व दूरी आपको पता है ना कौन सा टॉपिक हो गया, नहीं पता तो बता दूं। जैसे मैं उत्तर चला 5 किलोमीटर, फिर मैंने दाएं मुड़ गया 4 किलोमीटर चला, फिर मैं वापस बाएं मुड़ गया, फिर मैं 8 किलोमीटर चला। अब बताओ मेरे जहां से मैं चला वहां से कितनी दूरी थी मेरी, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका रक्त संबंध, रक्त संबंध में कौन से क्वेश्चन आते हैं। रक्त संबंध में वैसे आता है जैसे कि राहुल ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पापा के, मम्मी के, भाई के, ताऊ के, ऐसे के ऐसा था, तो बताओ राहुल के साथ उसका क्या संबंध हुआ। ये होता है रक्त संबंध में, ठीक है ना। फिर आता है अपना श्रेणीक्रम और सॉरी श्रृंखला व श्रेणीक्रम, सभी जानते हैं श्रृंखला व श्रेणीक्रम। 2 का अंतर दे दिया, 2 गुणा का अंतर दे दिया, 2 भाग का अंतर दे दिया, -3 का अंतर कर दिया, वो आता है श्रृंखला व श्रेणीक्रम में। फिर आती है अभी गणितीय संक्रियाएं, ये भी सभी जानते हैं गणितीय संक्रियाएं क्या होती है। अब देखो एक 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 बोर्ड पर जब टॉपिक कराऊंगा, प्रश्नावली कराऊंगा, तो आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका आरेख की व्याख्या, आरेख की व्याख्या में सभी जाता है जानते हैं, जो आरेख दिया होता है उसकी व्याख्या आपको, वो जो भी आपको टॉपिक आएगा तब बता दूंगा। कैलेंडर सभी जानते हैं, कैलेंडर आपको क्या बताऊँ कैलेंडर में, ठीक है ना। तो कैलेंडर सभी जानते हैं। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब भी सभी जानते हैं। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आने के 99% चांसेस रहते हैं एपीडी में। और भी रहता है आपका पांच सा में आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5 सा में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका कथन निष्कर्ष और कथन और तर्क, कथन निष्कर्ष और कथन और तर्क में लगभग सभी बच्चे इसको करते तो है नहीं और लगभग सभी बच्चे गलत करके आते हैं। तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है, इन 2 टॉपिकों के ऊपर ध्यान दो, कथन और निष्कर्ष और इनपुट और आउटपुट, ये नया टॉपिक है इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना। वैसे तो ये पुराना तो हो गया, पर अभी ज्यादा चलन में ये आ रहा है इनपुट और आउटपुट और कथन निष्कर्ष, ये इसमें ज्यादा अभी 3 टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक आप ध्यान रखना, इन 3 टॉपिकों से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे संभावना है। कथन व निष्कर्ष, कथन व तर्क, इनपुट व आउटपुट। फिर आता है आपका असमानता, असमानता जानते हैं आप, चार चीज चार आपको दिए होंगे, उनमें से 3 समान है, किसी भी रूप में हो सकते हैं, और बाकी आपके 1 असमान है, वो आपको छांटना है। तो यह आपका हो गया 41 एपीडी का रीजनिंग का सिलेबस। अभी आपको बता देता हूँ भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ने लग जाओ यार, आप जो लगोगे मेरे को खुशी होगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ो, ये कभी नहीं बोलूँगा आपको, जहाँ से भी पढ़ो पढ़ो जरूर, पर पढ़ो सिलेबस, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया जो भी पढ़ दिया, नहीं, जितना पढ़ाऊँ उतना सिलेबस पढ़ो। यदि अभी भी बोल रहा हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपका हर डिफेंस की जॉब के प्रति समर्पित चैनल है। चाहे कोई से भी डिफेंस की जॉब हो, आपकी इंडियन आर्मी होते, आपकी नेवी होते, एयरफोर्स होते, आपका अर्धसैनिक बल, जो भी 10 डिपार्टमेंट है वो होते, आपके एफएडी होते, आपका कोई से भी पुलिस हो, बेल्ट की नौकरी के प्रति समर्पित चैनल है ये, ठीक है ना। तो आप यदि बेल्ट की नौकरी करना चाहते हो, एक बच्चा बोल रहा था कि ये सिविलियन की पोस्ट है, भैया एक बात बता दूं मैं आपको यार, सिविलियन की पोस्ट में मजे ना उतने आपके डिफेंस की पोस्ट में भी है भी नहीं। एक बात हूँ, डिफेंस की पोस्ट जब बात कर लेते हो, बात चालू होगी तो कर ही लेते हूँ। एफएडी की नौकरी में क्या मिलता है आपको बता दूं, एफएडी की नौकरी में आपको 8 घंटे काम करना होता है, 8 घंटे में से आप 5 घंटे मेरे को पता है मजे ही करोगे, 3 घंटे काम करोगे, ठीक है ना। 3 घंटे आपको काम करने हैं, 3 घंटे यदि डेली का काम कर रहे हो, आपको 1700-1800 रुपये डेली दे रही है गवर्नमेंट, तो आप रे क्या जा रहे हैं यार, यहाँ बाहर आपको 1700, जैसे आप डिफेंस के चक्कर में रहोगे ना, तो आपकी एक दिन एज निकल जाएगी, फिर दिन आप दिन सोचोगे यार क्या हो गया, हमारा तो एज ही हो गई, अब कहाँ जाए, तब क्या करोगे।
फिर ना तो आपके पास सिविलियन बचेगी ना आपके पास डिफेंस बचेगी, और आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप आईपीएस आरएएस की तैयारी कर सको, नहीं कर सकते ना। और यदि हाँ आप में इतनी कैपेसिटी है तो आप ये जॉब आराम से ले लोगे। मैं नहीं कहता कि कोई कैंडिडेट नहीं लग सकता, बिल्कुल सभी कैंडिडेट लग सकते हैं यार, जो आईपीएस आरएएस होते हैं वो भी तो इंसान होते हैं, उनके क्या दो सिर होते हैं क्या? नहीं। चार हाथ होते हैं क्या? नहीं। चार पैर वो पैर होते हैं क्या? नहीं होता, वो ही अपने जैसे होते हैं, बस उनका रूटीन है कि 5 से 6 घंटे पढ़ना। 5 से 6 घंटे आप, मैं बता दूं आपको, 5 से 6 घंटे आप डेली दे दो, डेली महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर 25 दिन आप 5 से 6 घंटे दे दो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। तो बता रहा हूँ आपको, यदि रीजनिंग का सिलेबस आपको अभी कोई डाउट रह गया हो, 17 टॉपिक मैंने बताया, 17 टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, 2 से 3 महीने आराम से पढ़े। 41 IPD हो तो आप, यदि GD की तैयारी कर रहे हो तो ये भी सिलेबस आपके लिए GD का भी लागू होता है, ठीक है, GD का भी तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो SSB वाले कैंडिडेट जितना प्यार कल वाले वीडियो पे दिया उतना ही प्यार बनाए रखना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो प्यार बनाना है वो बनाए रखना। आप जितना प्यार दोगे, जितने लाइक करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितने वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही मैं मोटिवेशन होऊंगा और आपके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक दिन आपका ऐसा ही प्यार बना रहा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज यार अपना प्यार ऐसे बनाए रखना, छोटे भाई हो चाहे बड़ा भाई समझना चाहे छोटा भाई समझना, प्यार अपना बनाए रखना। मानता हूँ कहीं मेरे से छोटे भी होंगे, कहीं मेरे से बड़े भी होंगे, या नहीं कि सभी बड़े होंगे सभी छोटे होंगे, पर अपना भाई जरूर हो भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो आपका भाई हो, ठीक है ना। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।